नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। जम्मू बुलेटिन लेकर मैं अजय कुमार हाजिर हूं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। द कश्मीर फाइल्स पर केजरीवाल की टिप्पणी के विरोध में जम्मू में प्रदर्शन। और डिगाना में 3 अप्रैल को श्री गुरु तेग बहादुर जी का मनाया जाएगा प्रकाश पर्व। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ जताया रोष। बोले सरकार देश में महंगाई को कम करने में पूरी तरह फेल। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस कमेटी की तरफ से महंगाई भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों में जागरूकता लाई जा रही है। इस मोदी सरकार ने 140 दिन के बाद यकदम पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। इसी सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज ये प्रदर्शन और धरने दिए जा रहे हैं कि सरकार जागे और लोग भी जागे और इस महंगाई के खिलाफ एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। द कश्मीर फाइल्स पर अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के विरोध में कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में किया प्रदर्शन। बोले अरविंद केजरीवाल के बयान से कश्मीरी पंडित हुए आहत। केजरीवाल अपने मंत्रियों सहित पूरे देश की जनता से मांगे माफी। और उसमें जो ज्यादा जो जोश में लेडीज बच्चे आए वो हमारे जगटी से आए, नगरोटा से आए, पुरखू से आए, और उसके अलावा जो जम्मू का समाज था वो भी आया। और फुल जो ये थिएटर है, तकरीबन 300 से ऊपर इसकी सीटें हैं, वो पूरा बुक कराया इसलिए दिखाने के लिए केजरीवाल तुम कोई नहीं है हमें कहने वाला, हमारे समाज को तुम YouTube पे देखो हैं, हमको क्या, हम टैक्स यहाँ J&K में हम फुल पेमेंट पे यहाँ दे रहे, देख रहा हमारा समाज, और जम्मू का जो हमारा समाज है वो भी मतलब इसको बुक करा रहा है। और आज का जो मेन है कि जो केजरीवाल ने अपनी असेंबली में हमारी साथ जो दरिंदगी हुई है उस पर जो मजाक उड़ाया उसने, और उसके जो वो वहाँ MLA से वो हंसने लग पड़े, ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़ने वाली बात है। डिगाना आश्रम में 3 अप्रैल को श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। सभी सिख संगत से समागम में हाजिरी देने की अपील। संगत की सुविधा के मुताबिक की जा रही तैयारियां। आप जी दी प्रेस राही समूह संगतां नूं ये बेनती करदे हां कि इस दे विच वध चढ़ के हाजिरी भरी जाए। सारे जम्मू के तमाम डिस्ट्रिक्ट तों अते खासकर कश्मीर तों भी संगत इस विच हाजिरी भर रही है। 2 तरीक नूं असी एक दिन पहला दस्तार मुकाबले जो अपने बच्चों के असी करवाए जा रहे हैं उत्थे, जो डिगाना आश्रम विखे ये जो साड़ी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी है इस प्रोग्राम की समागम की सरदार अजीत सिंह जी की अध्यक्षता विच, उस तो 2 तरीक नूं बच्चों के दस्तार मुकाबले कराए जाएंगे और जिहड़े बच्चे उत्थों जेतू रहेंगे उन्होंने 3 तरीक के प्रोग्राम में सम्मानित किया जाएगा। इस तरह संगतों के बैठन लई लंगर दा अते पार्किंग दा विशेष जो सारे उपराले सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं साड़ी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। इस करके संगतां नूं अपील है कि वध तो वध हाजरी भरी जाए इस गुरमत समागम दे विच। तां कि लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाने के लक्ष्य में निकले हैं नागपुर के भरत मलिक। 45,711 किलोमीटर का सफर 15 माह के भीतर तय करने का रखा टारगेट। विभिन्न शहरों से होते हुए नशा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के प्रति कर रहे हैं जागरूक। भरत मलिक को नागपुर में रहना है मेरा, और नागपुर से ही जिले भी नागपुर है मेरा, और मैं एक भारत देश में एक संदेश लेके चला है 45,711 किलोमीटर, जिसमें कि भारत देश के शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, नशीली चीज़ से नए युवकों को मुक्त कराया जाए, प्रदूषण से बचाया जाए, और वैसे युवक युवकनियों से मैं युवक से एक प्रार्थना करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग शाम के टाइम सुबह के टाइम जो मॉर्निंग वॉक करते हो तो अपना एक लक्ष्य बना के रखिए कि हमें भी कुछ देश में कर दिखाना है, और आपका फिटनेस अच्छा रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शरीर अच्छा रहेगा। मैं एक साइकिलिंग कर रहा हूँ 45,711 किलोमीटर 9 पॉइंट की, जिसमें कि अभी तक मैं मेरा शरीर पूरा स्ट्रांग है और मैं वैसे ही अभी एक संदेश लेके चल।
जेके यूटी नेशनल बिल्डर एसोसिएशन ने की प्रेस वार्ता राज्यपाल मनोज सिन्हा से पेंडिंग डिमांड जल्द पूरा करने की मांग, साथ ही ग्रेड 3 टीचर्स के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की मांग। जी बर्दियाल जी, मनोज सिन्हा साहब, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो हमारी जो इन इश्यूज को जल्द से जल्द हल किए जाएं, क्योंकि जो हमारे टीचर्स थे RET स्कीम के तहत लगे थे, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और 3rd टीचर्स जो लगे थे, जिनको आप ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के नाम से रखा गया, लेकिन 18 से 20 वर्ष हो गए, अभी तक उन टीचर्स को ट्रांसफर पॉलिसी से महरूम रखा गया है। अगर उन टीचर्स को ट्रांसफर पॉलिसी से महरूम रखा गया है, अगर 18 से 20 वर्ष हो गए इस एक उस्ताद को एक स्कूल में, जहाँ पे कोई भी नहीं जाता था, हमारा RET टीचर्स वहाँ गए और स्कूल खोले गए, कुछ एरिया में जितने भी थे वहाँ पे खोले गए। उसके साथ साथ हमारी जो बहनें हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से मैं रहती हूँ, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, तो उनकी शादी हुई है, वो बहुत परेशान हैं, ना तो ट्रांसफर पॉलिसी, उनकी फैमिली भी परेशान है उनके साथ, लेकिन जब तक एक उनका एक मनोवैज्ञानिक उनका संतुलन ठीक नहीं होगा। जम्मू बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए JK अपडेट। नमस्कार, JK अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।